हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बंगाली स्टाइल ट्रेडिशनल ऑथेंटिक परवल फ्राई। परवल के तो बहुत सारे रेसिपीज बनते हैं, मैं वन बाय वन करके शेयर करूंगी। तो फर्स्ट शुरुआत है परवल फ्राई से, और ये रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। रोटी के साथ, राइस के साथ एकदम जम जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने परवल को धो लिया है और अभी छिलका को हटाने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे हल्का सा क्लीन कर लीजिए, ऐसे क्लीन कर लीजिए। देख लीजिए, परवल को हल्का हल्का क्लीन कर लिया है, पूरा क्लीन करने का जरूरत नहीं है, ऐसे हल्का हल्का क्लीन। देख लीजिए, सारे परवल को मैंने क्लीन कर लिया है और अभी ऐसे पीछे से और सामने से हटा दीजिए इतना इतना, और उसके बाद ऐसे मिडिल से हाफ में कट कर लीजिए ऐसे। देख लीजिए, सारे परवल हमारे कट हो गए हैं। तो अभी इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, बहुत ही कम सॉल्ट यूज कीजिए। साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अभी परवल को नमक एंड हल्दी से अच्छे से कोट कर लीजिए ऐसे। बंगाली स्टाइल बैगन भाजा यानी कि ब्रिंजल फ्राई जैसे फेमस है, सेम तरीके से परवल फ्राई यानी कि पोटल भजा भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, घर में जरूर एक बार ट्राई करना। तो ये अभी हमारे मिक्स हो गए हैं, चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। देख लीजिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और अभी ऐड कर दूंगी मस्टर्ड ऑयल 1 टेबल स्पून। बंगाली के हर एक रेसिपी बनते हैं मस्टर्ड ऑयल में। तो देखिए, ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। ऑयल को भी बहुत अच्छे से गर्म होने दीजिए। देख लीजिए, ऑयल हमारे बहुत अच्छे से गर्म हो गए हैं। तो अभी ऐड कर देंगे परवल 1 बाय 1 करके। देख लीजिए, सारे परवल को मैंने ऐड कर दिया है। अभी फ्लेम को मीडियम में कर दीजिए और एक साइड को 3 मिनट के लिए फ्राई होने दीजिए। 3 मिनट हो गए हैं, चलिए परवल को पलट देते हैं और पलट के दूसरे साइड को भी 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए, एक साइड से कितने अच्छे से पक गए हैं, कितना अच्छा कलर आए हैं। तो अभी दूसरे साइड को भी 3 मिनट के लिए सेम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। देख लीजिए, परवल हमारे फ्राई हो गए हैं, दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई होके एकदम रेडी है। तो चलिए अभी निकल लेते हैं। देख लीजिए, सारे के सारे परवल हमारे फ्राई होके एकदम रेडी है। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे रेसिपीज रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।